हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं मिसलिनियस चैप्टर नंबर 10 वेक्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी आता है। देखो क्वेश्चन में का स्टेटमेंट है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ए बी सी आपस में परपेंडिकुलर है, उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, देन सो डैट दी वैक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वैक्टर बी वैक्टर एंड सी वैक्टर। आपको प्रूफ करना है कि जो ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर है वो इक्वली इंक्लाइन है, मतलब इक्वल एंगल बना रहा है ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन सब के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम लेट करेंगे लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, ये हमने लेट कर लिया। अब दूसरा, सिंस ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसीलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है जी, अब आपको एंगल निकालना है किसका, ए वेक्टर का किसके, ए वेक्टर का किसके साथ, ए प्लस बी प्लस सी के साथ, सेम ऐसे बी वेक्टर का ए प्लस बी प्लस सी के साथ और सी वेक्टर का ए प्लस बी प्लस सी के साथ। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉट करेंगे, जैसे कि ये ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी और ए डॉट इस पूरे को बी मान के ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा ए का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड और कॉस अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये हमने मान लिया कि अल्फा क्या है, एंगल है बिटवीन ए बी सी के बीच में, ए एंड ए प्लस बी प्लस सी के बीच में। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे इसकी अगर हम डॉट कराएंगे तो आएगा ए डॉट ए प्लस का ए डॉट बी प्लस का ए डॉट सी, इसकी वैल्यू हो गई लैम्डा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं अभी तक, तो इसकी वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैंने इसलिए यहाँ पे स्पेस छोड़ा था ताकि आपको पता लग जाए कैसे क्यों निकालनी है। इसका स्क्वायर करेंगे तो होता है ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, ये आता है। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है, ए बी सी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ये हो गया जीरो प्लस जीरो प्लस का जीरो, इन तीनों की वैल्यू जीरो, तो आ गया थ्री लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है तो इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो पॉजिटिव रूट हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये हो गया रूट थ्री लैम्डा। अब आप ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो तो आएगा रूट थ्री टाइम्स लैम्डा इंटू में कॉस अल्फा। अब a डॉट a बन गया a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a डॉट b आ गया जीरो, a डॉट c आ गया जीरो, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर रूट थ्री कॉस अल्फा। अब a के मैग्नीट्यूड कितना होता है, लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर रूट थ्री कॉस अल्फा, है ना, ए का मैग्नीट्यूड हमने लैम्डा लेट कर रखा है, इससे कैंसिल आउट वन आ गया, वन अपॉन में रूट थ्री इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स वन बाई रूट थ्री, ये आ गई अल्फा की वैल्यू, मतलब एंगल ऑफ ए वेक्टर विथ ए प्लस बी प्लस सी। अब सिमिलरली हम लोग निकालेंगे बी वेक्टर का एंगल, तो बी डॉट ए प्लस बी प्लस का सी इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी प्लस सी इंटू में कॉस बीटा, वेयर कॉस बीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए प्लस बी प्लस सी। तो बी डॉट ए करोगे तो जीरो आ जाएगा, बी डॉट बी करोगे बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर, बी डॉट सी करोगे आएगा जीरो, यहाँ पे लैम्डा रूट थ्री लैम्डा और कॉस बीटा। तो देखो यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट और बीटा इज इक्वल टू आ गया सिमिलरली कॉस इनवर्स वन बाई रूट थ्री, मतलब सेम आ गया। ठीक है जी, अब ऐसे ही आप सी वेक्टर का एंगल निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी के साथ, तो सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी प्लस सी और कॉस गामा, गामा इज द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए प्लस बी प्लस सी। तो सी डॉट ए करेंगे आएगा जीरो, सी डॉट बी करेंगे आएगा जीरो, सी डॉट सी करेंगे तो आएगा सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कि इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे आ गया लैम्डा, ये रूट थ्री टाइम्स लैम्डा और कॉस गामा, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ से भी गामा इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स
वन बाई रूट थ्री। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई रूट थ्री आ गया। इसका मतलब ए वेक्टर बी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है जी,